सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारयां दा अपने यूट्यूब चैनल ते। अज आपां बनावांगे पनीर दी भुर्जी, बहुत ज़्यादा सौखे जे तरीके नाल। कोई आपां पनीर नूं बन के रखण दी लोड़ नहीं, सीधा आपां पनीर बनावांगे, पुणांगे ते भुर्जी बना दांगे। सिर्फ 5 मिनट च बन के तैयार हो जूगी, बहुता टाइम नहीं लगता ते ना ही आपां नूं किसे टमाटर दी लोड़ आ। मैं तुहानूं ट्रिक दसूंगी वी जे तुहाडे कोले टमाटर नहीं हैगा तुसीं पाउणा, फिर तुसीं उहदी जगह ते की पा सकदे हो। ते नाल आपां दा पानी बिल्कुल ही पनीर दा सुटना नहीं, वो तो आपां बनावांगे नान, जिहड़े कि बहुत ज़्यादा वधिया बनणगे। तो वह आपां बनावांगे अपने लोहे वाले तवे ते, तंदूरी नान बना के आपां तैयार करांगे। सो वीडियो नूं तुसीं एंड तक जरूर वेख्या करो, स्किप ना करिया करो, तां कि तुहानूं हर चीज़ का पता लग सके। पनीर वाला पानी है जिहड़ा बहुत ज़्यादा हैल्दी हुंदा, आपां इहनूं बिल्कुल भी सुटना नहीं। मैं तुहानूं हर वीडियो दे विच कहनी आ भी नहीं सुटना, जे तुसीं पनीर बनाया, मैं पनीर वाली वीडियो दे विच तुहानूं कहा होया। तो उन्हें बरतना किदा, अज मैं तुहानूं बरतन का तरीका दसूंगी भी किन्ने सौखे तरीके नाल जिहड़े नान अपने बन के तैयार हो जाते हैं। कुलचे भी बन सकते हैं, उहदे तों भटूरे बन सकते हैं। लो जी, दुध आपां गर्म कर लिया, ये हल्का जिहा खट्टा होया होया दुध सी, राती मम्मी तो थोड़ा जिहा टाइम बाहर रह गया सी, ये मैं सवेरे उठ के 4 बजे फ्रिज च लाया, तो सो ये थोड़ा जिहा खट्टा हो गया सी, स्मैल जी आनी शुरू हो गई सी। लो जी, इहदे च आपां दही पाई आ, जे तुहाडे कोले दही नहीं हैगी तां तुसीं सिरका पा के फाड़ सकदे हो दुध नूं। नींबू दा सत पा सकदे हो, सिट्रिक एसिड नींबू पा सकदे हो, जिहदे नाल भी तुसीं फाड़ना दुध फाड़ सकदे हो। मैं पनीर दी प्रॉपर वीडियो बना के पाई हुई है चैनल ते, किदां पनीर बनदा बहुत सौखे तरीके नाल हलवाई वर्गा, वह तुसीं जाके चैक कर लिओ, तुहानूं तरीका पता लग जूगा प्रॉपर भी किदां आपां पनीर बनाउणा। लो जी, ये चंगी तरह फट गया ते आपां थल्ले उतार लिया, पानी बिल्कुल अलग हो गया, इन्ना साफ पनीर फटना चाहिए ता कि दुध कुछ भी ना रहे, सारा पनीर बन जाए। लो जी, पानी नूं आपां दूजे भांडे च छान लाँगे। चाह पौनी रख ली मैं एक वड्डी लोहे की, तुसीं किसी झारनी च भी पुण सकदे हो। सारा पानी आपां बाहर कढ दांगे, जिहड़ा थल्ले पनीर बचिया नूं आपां चक के झारनी दे नाल चाह पौनी च पा लाँगे, ता कि जिहड़ा इहदा वाधू पानी आ उह बाहर निकल सके। बहुत ज़्यादा वधिया भुर्जी बनती है ये, जिहड़े आपां पनीर तो भुर्जी बनाउने आ, अपना टिक्की वाला पनीर हुंदा आपां बाजार तो लैके आउने आ, वो इन्नी वधिया नहीं बनती। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनूगी, बिल्कुल जिदा ढाबे के उत्ते तुहानूं पनीर की भुर्जी मिलती है उस तरीके नाल बनूगी। लो जी, मेरा ख्याल 2.5 किलो दुध सी अपने कोल, ते पनीर वधिया निकलिया है अपना। जिहड़ा हुण आटा, ये पानी बचिया उहदे नाल आपां गुन्नांगे जी आटा, बहुत ज़्यादा हैल्दी पानी हुंदा ये, उहनूं सुटना नहीं हैगा। आटे दे विच थोड़ा जिहा मैं लूण पाता, थोड़ी जी मैं पाई 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी, थोड़ा जा आप पावांगे बेकिंग पाउडर 1/2 चम्मच, ते 1/2 चम्मच आप पावांगे मिठा सोडा। ये सारिया चीज़ा पाने तो बाद जिहड़ा ये पानी आप थोड़ा जा बाहर कढ लिया सी, क्योंकि सारा पानी नहीं लगना, देखते हैं आप कितना क पानी लगेगा, जे लोड़ हुई फिर आप होर पानी ले लाँगे। इन्हां नूं चंगी तरह आपां आटे दे विच रला लांगे। इत्थे मैं मिठा सोडा पाया 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर पाया, 1/2 चम्मच आपां चीनी दा पाया, 1/2 चम्मच लूण दा पाया। हो सकदा एक अद्धी चीज़ ना रिकॉर्ड हुई होवे कैमरे दे विच, इहनूं आपां चंगी तरह रला लांगे। ते आपां सिर्फ इत्थे 2 चम्मच दही दे पावांगे, जे आपां इह पानी नाल आटा ना गुंदे तां दही ज़्यादा पैंदी, 6 तों 7 चमचे पै जांदी, पर इत्थे 2 चमचे बहुत ने। ते उपर आपां थोड़ा जिहा तेल पा दांगे दही के उपर, इनू आप चंगी तरह रला के आटे के, उस तो बाद ही आटा गुन्नांगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जड़ियाँ अपने नान बन के तैयार होणगे, बिल्कुल भी यह खुश्क नहीं होने। जदों ये बन के रखांगे आपां काफ़ी देर तक, उदों भी ये सॉफ्ट रहिंदे ने, सख्त नहीं हुंदे। ये इसे पानी का जिहड़ा ये पानी नाल आपां आटा गुन्नांगे इहदा यही फायदा, जे आपां उदां सीधा नान बनाउने आ फिर वह ठंडा होने तो बाद थोड़ा कैड़ा जिहा हो जाता, सख्त हो जाता। लो जी, आपां ढिल्ला जिहा आटा गुन्न के तैयार करना। पानी मैं ठंडा कर लिया सी, नॉर्मल टैंपरेचर ते आउणा चाहीदा, गर्म पानी नाल आटा ना गुन्नी क्योंकि गर्मी बहुत आ, फिर आटा जिहड़ा थोड़ा ज़्यादा ढिल्ला हो जूगा। लो जी, आटा आपां इकट्ठा कर लिया, रोटी नालों थोड़ा जिहा आपां आटा ढिल्ला रखना, ते इहनूं आपां घिओ दा हत्थ ला के चंगी तरह इकट्ठा कर लाँगे। ज़्यादा आपां नूं गुन्नण दी लोड़ नहीं हैगी, इहनूं आपां फेंटांगे उपर तों 1 मिनट तक, उपर तों थल्ले इदा आप चक चक के इनू मारा, ताकि हवा डिवेलप होवे।
जिनी ये हवा होगी उन्ना अपना नान आ जिहड़ा सॉफ्ट बन के तैयार होगा। लो जी एक मिनट तक इहनू आपां बिल्कुल फेंट लाँगे, चिकना कर लाँगे, इहनू ज़्यादा गुन्नना नहीं हैगा, मुक्की नहीं देनी हैगी, इदां ही आपां इहनू फेंट देना। इहनू आपां ढक के रखांगे घट्टो घट्ट इहनू 15 to 20 मिनटां दा रैसट चाहिए, जिन्ने टाइम च आप अपनी भुर्जी बना के तैयार कर लें। आप रखती चुल्हे ते कड़ाही, भुर्जी आप देसी घ्यो च बनावांगे, तुसीं जिहड़ा भी घ्यो तेल खाने उहदे च बना सकते हो। इहनू सिर्फ आप जीरे का तड़का देवांगे, कल्ले जीरे का तड़का, होर कुछ भी नहीं पाउणा। बहुत ज़्यादा स्वाद अपनी भुर्जी बन के तैयार होगी। तो इत्थे काफ़ी सारे मैं प्याज लए ने, 4-5 वड्डे साइज़ के मैं प्याज कट्टे ने। एक बार तुहानूं लगदा हो भी प्याज ज़्यादा ने, पर बिल्कुल भी नहीं, जदों प्याज भुज जाते हैं फिर प्याज अद्धी रह जाते हैं। तो नाल ही इत्थे मैं पातीआं 3-4 हरिया मिर्चा कट के, जे तुहानूं पसंद ने तां पा लिओ। हरी मिर्च नाल जिहड़ी भुर्जी आ बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। तो प्याज नूं आपां ज़्यादा नहीं भुनना हुंदा, पनीर की भुर्जी च प्याज ज़्यादा नहीं भुजना चाहिए, इहदा मीटीनैस बिल्कुल भी खत्म नहीं करनी। जदों प्याज 50% भुज जूगा तो हुण आपां इहदे च पावांगे जी कसूरी मेथी। ये मेरी जिहड़ी कसूरी मेथी आ आपां घरे बना के सुकाई हुई आ, इहनूं मैं तवे दे उत्ते रोस्ट कर लिया, क्योंकि अजकल सिल हो जाती है हर चीज़ नूं। बहुत ज़्यादा वधिया खुशबू आऊगी इहदे नाल, पनीर की भुर्जी आ जिहड़ी इहदा स्वाद दुगुणा हो जूगा। जे तुहाडे कोल हैगी आ तां जरूर पायो कसूरी मेथी, जे तुसीं इहदा स्वाद पसंद नहीं करदे फिर तुसीं स्किप कर सकदे हो। लो जी इहनूं भी आपां चंगी तरह भुन लाँगे 1 मिनट तक। तो हुण आपां इहदे च पावांगे बेसिक मसाले। लूण मिर्च हल्दी लिया मैं, 1/2 चम्मच लिया मैं काली मिर्च का, जिहड़ी पनीर की भुर्जी अपनी इहदे विच काली मिर्च का स्वाद आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा वधिया लगता। जे होई तां तुसीं काली मिर्च जरूर पायो। जे तुहाडे कोले टमाटर नहीं हैगा, तुसीं खट्टा खाना पसंद करते हो, तो जिहड़ा लूण मिर्च है इहनूं तुसीं दही दे विच रला के पायो 2-3 चमच, जिन्ना तुसीं पसंद करते हो खट्टा उन्ना दही लै लिओ, उहदे विच लूण मिर्च विच मिक्स करके फिर उहदे बाद पनीर की भुर्जी च पायो। उहदे नाल बहुत ज़्यादा पनीर की भुर्जी जिहड़ी बहुत ज़्यादा वधिया बनती है, स्वाद बनती है, किसी टमाटर की लोड़ नहीं हैगी। लो जी जे तुसीं टिक्की वाला पनीर पा रहे हो बाजार तो लिया हुआ, तो उहनूं हत्थां दे नाल क्रंबल करके पाउणा, कद्दूकश ना करिओ, वह इन्ना वधिया नहीं बनता, हत्थां दे नाल ही भन्नो। तो ये अपना घर का बनया हुआ सी, सो मैनू लोड़ नहीं, मैं इदा चारनी दे नाल कड़ाही दे विच ही भन्न दूंगी, तुसीं मोटा बरीक अपने हिसाब नाल रख सकते हो। आपां इदां दा ही बनाउने हुंने आ, मोटा मोटा जिहा रखदे आ पनीर नूं, ज़्यादा बरीक नहीं करदे। तुसीं वेख सकते हो बिल्कुल भी प्याज ज़्यादा नहीं होया। तो 1 मिनट भुन्न तो बाद पनीर नूं हुण इत्थे आपां पावांगे जी मक्खण। मक्खण नाल पनीर की भुर्जी का जिहड़ा स्वाद आ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। जे तुहाडे कोले मक्खण हैगा तो एंड ते तुसीं 1 चमचा मक्खण का पा के देखियो, तो बिल्कुल ये इन्नी सॉफ्ट भुर्जी बन के तैयार होगी, बिल्कुल ढाबे वर्गी। बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर होगा अपनी भुर्जी के विच, वध नहीं होगा भी, मतलब जे तुसीं बाजार वाले पनीर तो भुर्जी बना रहे हो तो कई बार ड्राई हुंदा, फिर इत्थे तुसीं 2-3 चमचे दुध दे पा सकते हो। जे दही पाओगे फिर दुध की लोड़ नहीं हैगी, उस नाल ही सही बनूगा। लो जी पनीर की भुर्जी अपनी बन गई, उन्हों आपां थल्ले उतारता। तो हुण आपां बनावांगे जी अपने नान। आपां आटे नूं घिओ ला के मल लैने एक बारी थोड़ा जिहा, तुसीं वेख सकते हो भी किन्ना ढिल्ला आटा, ज़्यादा आपां ढिल्ला भी नहीं रखना, पर रोटी नालों इह ढिल्ला होगा। तो इहनूं आपां दूजे बर्तन च रख लैने। इत्थे आपां रखांगे जी गैस, जिहड़े कुलचे आपां गैस ते बना के तैयार करांगे, क्योंकि आपां तवा चा के पकावांगे उहनां नूं। इह मैं लए ने कुछ कलौंजी लई, अनियन सीड्स ने, तो कुछ मैं लई है जी कसूरी मेथी, उही जिहड़ी आपां घरे सुकाई हुई आ, इहनूं मैं बरीक कर लिया। तुसीं इहदी जगह ते कसूरी मेथी की जगह ते धनिया भी ला सकते हो जे तुहाडे कोले हैगा। मेरे कोले है नहीं सी, सो आपां कसूरी मेथी लावांगे, उहदे नाल भी जिहड़ा नान दा स्वाद आ बहुत ज़्यादा वधिया होगा। ये मैं कौली दे विच पाणी लिया, नाल आपां लिया ब्रश। जे तुहाडे कोले ब्रश नहीं हैगा तां तुसीं डक्के ते किसी ते, जिद्दां आपां पूड़ियां नूं तेल लाउने आ उद्दां कोई कपड़ा वगैरह लपेट सकते हो, साफ सुथरा थोड़ा जिहा कपड़ा लपेट लिओ, उहदे नाल तुसीं ब्रश बना के उहदे नाल भी ला सकते हो, जां हत्थां नाल भी ला सकते हो, जिवें तुहानूं सही लग्गिया। लो जी आपां इक पेड़ा लवांगे, रोटी नालों थोड़ा जिहा वड्डा ही लैणा, क्योंकि नान आ जिहड़े थोड़े जिहे वड्डे साइज़ दे बनावांगे आपां। ते इहनूं आपां वेल लाँगे रोटी नालों थोड़ा जिहा मोटा वेलांगे, ज़्यादा मोटा नहीं वेलना, थोड़ा जिहा मोटा वेलांगे आपां, क्योंकि जिद्दां अपनी पानी हत्थ दी रोटी हुंदी आ तंदूर दे विच लाउने आ, उह थोड़ी जिही मोटी हुंदी आ। ते उपर आपां लावांगे जी कलौंजी, अनियन सीड्स। जे तुहानूं पसंद नहीं तां तुसीं ला लिओ, जे तुहानूं नहीं पसंद तुसीं इहनां नूं भी स्किप कर सकदे हो। ते उपर आपां पावांगे जी कसूरी मेथी,
तो इनू आप फिर बेलने के नाल बेल देंगे ता कि यह बिच चिपक जाए आटे दे ते पासा इहदा आपां चेंज कर लाँगे। उपर आपां ब्रश की हैल्प नाल लावांगे पानी, वधिया पानी लाउणा तां कि इह चंगी तरह तवे दे नाल चिपक जाए। तो तवा अपना साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं होना चाहिए, घ्यो नहीं लग्या होना चाहिए, नहीं तो फिर इन्हें नाल नहीं चिपकना, इन्हें डिग जाना। तुसीं तवे नूं चंगी तरह साफ कर लिओ, बिल्कुल भी घ्यो नहीं लग्या होया होना चाहिए। लो जी सारी रोटी तो आपां ब्रश नाल लाता पानी, तो ज़्यादा आपां तवा गर्म नहीं करना, मीडियम किया होया सी मैं फ्लेम नूं, थोड़ा जिहा फ्लेम आपां होर वधा देंगे, हाई फ्लेम ते आपां इहनूं नहीं बनाउणा, मीडियम फ्लेम ते बनाउणा, लो तो थोड़ा जिहा उपर, क्योंकि नहीं तो फिर इन्हें थल्लों सड़ जाना, प्रोपर इन्हें पकना नहीं। लो जी आपां इहनूं पकण देने, इहनूं आपां जदों तक यह उपर तो सारा सुकदा नहीं उदों तक आपां इहनूं पकण देवांगे, चंगी तरह आपां इहनूं उपर तो सुका देंगे, जदों यह उपर तो सुक जे गया फिर आपां तवा चाके राड़ांगे। हाले मैनूं कच्चा लग्या, मैं गैस होर स्लो करता, तुसीं अपने हिसाब नाल गैस तेज़ कर सकदे हो, स्लो कर सकदे हो, बिल्कुल भी यह थल्लों सड़ना नहीं चाहिए, बस प्रोपर कुक होना चाहिए। लो जी उदों तक आपां इक होर बना के तैयार कर लैंदे हां, उस तरीके नाल आपां कलौंजी लावांगे ते उपर आपां पावांगे कसूरी मेथी। तुसीं सिंपल भी बना सकदे हो, जिवें तुहानूं पसंद आ तुसीं उवें बना सकदे हो, कसूरी मेथी नाल इहनां दा स्वाद आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा वधिया आउंदा। आपां तुहानूं सिंपल भी बना के दिखावांगे। गैस आपां वधा देना ते इदां करके आपां तवा चक के उल्टा कर देना, तो तवे नूं घुमाउंदे होए आपां चार चौफेरे तो पका लाँगे, देख के जित्थों आपां नूं कच्चा लग्गिया उत्थों आपां पका लाँगे। बिल्कुल तंदूर की रोटी वर्गिया यह बन के तैयार होगा, जिदा तंदूर के विच नान बनता, बहुत ज़्यादा वधिया बनूगा। लो जी वेख लो तुसीं उपर तो पक गया, तो आपां खुरचने नाल इहनूं थल्लों उतार लिया, वेख लिओ तुसीं पिछों भी बहुत वधिया पक्या है, प्रोपर पूरा कच्चा नहीं रहा है। जे तुसीं ज़्यादा गैस वधाया फिर इन्हें थल्लों कच्चे मच जाना, तो प्रोपर नहीं बनना, इस गल का तुसीं ख्याल रखियो। उस तरीके नाल आपां नान नूं बेल लिया सी ते आपां पानी ला देंगे, वधिया पानी लाउणा आपां तां कि तवे दे नाल चिपक जाए, तो चक के आपां तवे ते पा देंगे। बहुत सौखा तरीका है, जे तुहानूं पसंद ने तंदूरी रोटियां तो तुसीं जरूर बनायो, बाकी पानी भी वेस्ट नहीं हुंदा, बहुत सारे मिनरल्स न्यूट्रिशन हुंदी आ पानी दे विच जिहनूं आपां वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जिहड़ी चीज़ दा आपां वरत सकते हुए यूज़ कर सकते हुए उन्हों सुटना नहीं चाहिए। लो जी तुसीं देख सकते हो नेड़े तो यह कितना वधिया लग रहा, जदों यह थल्लों पक जूगा उस तो बाद ही आपां इहनूं राड़ांगे, इन्हें सुकना जिहा शुरू हो जाना, बिल्कुल भी यह करड़े नहीं हुंदे, सख्त नहीं हुंदे, बहुत सॉफ्ट बनते ने। लो जी तुसीं इदां राड़ लेना। जे तुसीं मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल में सबसक्राइब जरूर करके जाओ, नाल ही जे तुहानूं मेरियां वीडियो चंगीयां लगदियां ने तो लाइक शेयर ते कमेंट भी जरूर करिया करो, वीडियो नूं स्किप ना करिया करो, सारी वेख्या करो, क्योंकि आपां बहुत सारे टिप्स दिंदे आं विच विच। चलो जी आपां मिलदे हां किसी होर नवी वीडियो दे नाल, तद तक लई सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल, बनाओ खाओ ते इंजॉय करो अपनी फैमिली दे नाल, इन्हां नूं आपां चोपड़ांगे उपर तों मक्खण दे नाल, तैयार ने अपने नान, तुसी भी इसे तरीके नाल अपने परिवार नू बना के खवाओ, अपने घर का खाना, हसते वसते रहो, खुश रहो, अपना बहुत सारा ध्यान रखो। चलो जी वीडियो देखने लई सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।